चक्कर हम फिर वापस ग्रीन थॉट की तरफ जाते हैं, फजूल खर्ची। ना 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 ना, आपके जी ना, आपको जितनी ज़रूरत है ना उतना ही स्पेंड करें। ये हमारे अंदर ना अब एक अजीब सा हौका सा बन गया, आदत हो गई है कि बाय सो मच फजूल खर्ची लगती है, शो ऑफ के लिए, किसी और को इंप्रेस करने के लिए। आपने बिल्कुल, बच्चा छोटा सा, एक साल का बच्चा, उसको क्या पता ब्रांड का, उसको आप शुरू से लगा देते हैं तो फिर बड़ा होके उसको नॉर्मल चीज समझ ही नहीं आती। शुरू से ही भाई आप पहन रहे हैं तो उसको भी वही भाई फलां ब्रांड के जूते पहना दिए, इतना सा बच्चा है जबरदस्ती। So unimportant people, spending on unimportant people, unimportant things, ये सब फजूल खर्ची ना। बिल्कुल, और ये high standards हमने क्यों बनाए हैं अपने इतने ज़्यादा? फिर हम complain करते हैं, यार महंगाई बड़ी हो गई, कितना महंगा हो गया। वो जो मतलब आपने एक जोड़ा लिया अभी 20,000 का और 3,000-2,000 का गैस का बिल आया, उस पर चीख रहे हैं, पागल हो गए, गैस का बिल आ गया, ये वो। आपने अपनी आप जोड़ों की स्पेंडिंग देखी है आपने? तो नाजिया, उसमें तो दिल नहीं खराब हुआ आपका? तो इसका जो इसके जो इम्पैक्ट है eventually, जो होता यही है कि एंड में, एंड ऑफ द मंथ आपके पास पैसे ही नहीं बचते। बिल्कुल, 30 तारीख अगर पहली तारीख से पहले मतलब 25 तारीख को आपके पैसे खत्म हो गए। देखो फैमिली, वजह यही है, सेविंग नहीं कर रही, सेव नहीं होता, सेव नहीं कर रही। जो बंदा एक कमाने वाला है वो पागल हो गया, पावा होता ना, कहते पावा हो गया यार कि अभी फिर सूट चाहिए। अब जो तुमने लिए थे दो, पिछले महीने तुमने दो सूट लिए थे, वो पहन लिए, हाँ वो पहन लिए ना, फला की शादी है, पार्टी है, मैं फिर दोबारा पहनूं, मैं रिपीट। अच्छा ये बेस्ट है, मैं रिपीट करूं? यार हम शोज में कपड़े रिपीट करते हैं, ये मैं कोई मेरा अपना जोड़ा है और ये मैं पहन चुकी हूँ 3-4 दफा। औरतें जो है उसमें पता नहीं आप शामिल है या नहीं, हैंड बैग्स पे बहुत खर्च करती है। क्या मतलब मैं औरतों में शामिल नहीं? मतलब उन औरतों में जो हैंड बैग्स पे बहुत पैसे खर्च करती है। नेवर नेवर, बहुत, तुमने देखा है ना, मैं बात सही कह रहा हूँ। ये भी एक बीमारी हो, आदमी जूतों पे। मैंने दोस्तों में इतना देखा है, दुबई में खास तौर पे। क्यों होता है? बैग्स का जुनून, उसके बाद से नफरत हो गई बैग से ही, औरतों से, दोनों से। इस तरह की औरतों से जो अपने हस्बैंड्स पे, यार एक तलाक हुई मेरे सामने बैग्स के चक्कर में। ओ वाह। और मैं जब बैग्स के टैग्स देखती हूँ ना तो मुझे होता है माँ क्या 10 लाख का बैग, और बैग्स खराब भी हो जाते हैं। 10 क्या, अब तो 25-25-30। मैं कहती हूँ 10 लाख लगाओ, बिल्कुल लगाओ, लेकिन वो चीज 10 साल के बाद 1 करोड़ होनी चाहिए। हाँ। सीधी बात है, मैं ले लूंगी, मैं ऐसा बैग ले लूंगी जो मैं कभी बुरे वक्त में बेचना चाहूँ तो मुझे उसके ऊपर पैसे मिले, जो मेरे बुरे वक्त में काम आए। ये तो और फैशन तो ऐसा है, थोड़े अरसे में ऑब्सोलीट हो जाता है, फिर वो ऐसी चीज पे क्यों इन्वेस्ट करें जिसकी वैल्यू डाउन होगी? स्पेंड करें जो चीजें जिसकी वैल्यू ऊपर हो। आदमियों के बारे में क्या मशहूर है, आदमी किस चीज पे फजूल खर्ची करते हैं? आदमी बहुत चीजों पे, आजकल के आदमी, गाड़ियां हो गई, आजकल के जो आदमी हैं, लड़के हैं, वो बहुत फजूल खर्च होते हैं कुछ। मैं तो गाड़ियों पे, अच्छा इस पे मैं एजाज असलम का आपको एक वाक्य बताती हूँ। नहीं बता। आपके अंदाजे में एजाज के पास कितने कपड़े होंगे, कितने सूट, कितने जूते? भाई तुमने अभी इस बात का बताया ना कि हमें तो चाहिए होते हैं। नहीं, मैं चलो मैं नंबर भी नहीं बता रही, लेकिन सिर्फ सूट की बात करें, इसके पास 100 सूट हैं। अब आप इंतहा देखें कि इसके अपने जब कमरे की जो अलमारियाँ उसमें एजाज की चीज़ें, बच्चों के कमरे में जो अलमारियाँ उसमें एजाज की चीज़ें। मैंने कहा छत पे इसने कमरा बनाया है, उसमें एजाज के कपड़े। अभी अम्मी के, अभी मजदूर जो आए हुए थे, इनकी अम्मी के सारा बता दो, इतनी सी बेचारी आंटी के पास जगह थी, माल मारियां बन रही है, क्यों के एजाज के कपड़े आने हैं उसमें? भाई हमारे काम में एक ड्रामा है, अगर वो उसकी 50 दिन शूट है तो तुम सोचो कितने सीन्स होंगे, तो वो उस कपड़े चाहिए होते हैं और फिर वो वापस काम आ जाते हैं दोबारा। क्या बात है, अब एक नई जगह एजाज को मिली और वो है पानी की टंकी। इसने कहा क्या जरूरत है इसमें पानी स्टोर कर रहे हैं, हटाओ कपड़े आएंगे इसमें मेरे। एक और टैंकी बना देंगे उसको। हाँ, टैंकी का तो कर लेंगे कुछ और, यहाँ टैंकी भी जो अब सुना है उसमें भी तुम्हारी वार्डरोब बन रही है भाई। लेकिन हमारे लिए तो नेसेसिटी है, अवन में लग्जरी नहीं है, अवन में नेसेसिटी है। घड़ियां तुम्हारी रखी होंगी साथ में, जूते, वो उसके लिए अलग जगह बनाई। तो जितनी भी जगह हो मतलब घर में एजाज की चीजों के लिए कम। देखिए रमजान स्पेशल शो लाइफ ग्रीन है आज शाम 5 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।